नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बार माइंड रूब्रिक जिसका अभी कोर्स चल रहा है हमारा रिपोर्टराइजेशन का, अगला जो सबसे बेहतरीन रूब्रिक है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, वो है एब्जॉर्ब्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैंट्स रिपोर्टरी देखेंगे तो शुरुआती पेज में आपको मिल जाएगा ये एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मिलेगा और उसके जो जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिंस है वो उसमें बखूबी लिखा गया है। ठीक उसी तरह जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, उसको तीन तरह का लेटर में लिखा हुआ है, एक बोल्ड लेटर है, कुछ इटालिक है और कुछ नॉर्मल लेटर्स। तो तीन तरह का लेटर्स यहाँ पर मिलेगा आपको। जो बोल्ड लेटर है वो सबसे ज़्यादा इंडिकेट करते हैं उसी पर्टिकुलर सिम्टम्स को, अब्जॉर्ब्ड। और एक चीज़ उसके बाद लिखा गया है, बरीड इन थॉट। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है और कैसे हम वो दवाई उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब्जॉर्ब्ड का मतलब है, अगर आप नॉर्मली देखें तो उसके कुछ हिंदी में मैंने निकाला है, वो उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पूर्ण रूप से नियुक्त, सोखा हुआ, निगला हुआ, अवशोषित, डूबा, तल्लीन, मगन, लीन, मशगूल, लगा हुआ, ये कुछ उसके एडजेक्टिव है जो कि अब्जॉर्ब को सूचित करता है, इंडिकेट करता है, उसका मीनिंग उसको दर्शाता है। तो किसी भी चीज़ में डूबा हुआ रहना, किसी भी चीज़ को गहरे से गहरे तक सोचना, अपने ख्यालों में ही पड़ा रहना, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने ख्यालों में पड़ा रहता है, कोई कुछ भी बोले नो रिएक्शन, वाइटलिटी एकदम कम, बस क्या अब्सेंट माइंडेड होकर पड़ा रहता है, अब्सॉर्ब्ड, मतलब एक चीज़ को सोच रहा है तो बस उसी ख्याल में आगे 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 क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और ये क्या होगा, ऐसे हुआ तो वैसे क्या होगा, फिर ऐसे मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन अगर मेरे साथ हो गया तो मैं भी ऐसा होऊंगा क्या, ये ख्याली पुलाव जो पकाते हैं ना बार 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 बार, उनके दिमाग में कोई भी चीज़ आ जाए उसी गम में डूबे रहते हैं। तो वो ख्याल जब तक बार 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 दिमाग से आता रहता है तो वो दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते, वो बस एक ही वो ख्याल के साथ डूबे रहते हैं, पड़े रहते हैं एक जगह पर। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पूछता है कोई भी डॉक्टर उसके सवाल, नो रिएक्शन, 10 सवाल पूछेगा, एक सवाल का जवाब देगा, डॉक्टर बोलेगा कहाँ आप खोए गए थे, मुझे तो एक चीज के बारे में सोच आ रही थी, मैं उसी में थोड़ा डूबा हुआ था। कहीं पर भी घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सोच में लगे हैं, पढ़ाई का बस वो जो किताब का जो पेज है, पन्ना है, बस उलटता रहता है, लेकिन उसके दिमाग में वो नहीं जाता, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और चीज़ें ही घर कर रहा है, उसके मन में कोई और ख्याल ही आ रहा है। पिताजी ने बेटे को भेजा कि जाओ मार्केट से ये दवा लेकर आओ, या ये कुछ चीज़ें सामान लेकर आओ, वो ऐसे ही बैठकर सोचता रहता है, दो तीन बार चिल्लाने के बाद ही उनको ख्याल आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है। तो किसी भी चीज़ में पर्टिकुलर रूप में आप इस कदर मग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं कोई भी इंसान, कि आपको सराउंडिंग का कोई ख्याल नहीं आता, आसपास में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चलता, आप बस अपने ख्याल में डूबे रहते हैं। इस तरह का जो पेशेंट आपके सामने आता है, सबसे पहले आप देखिए जो जो इस रूब्रिक के अंडर सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिफाइड है, जो सबसे ज़्यादा इंडिकेट करता है जो उस सिम्टम्स को, आप उसके हिसाब से दवाइयों का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद टोटलिटी देखना पड़ेगा, वो अहम हिस्सा है। तो एब्जॉर्ब्ड का जो मेन दवाइयाँ आता है, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ, आप देख लीजिएगा, हेलिबरस, मेजेरियम, नक्समोस, सल्फर, ये बोल्ड लेटर में लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ये बोल्ड लेटर में मतलब ज़्यादा इंडिकेट करता है कोई भी ख्याल में डूबा हुआ, उसको आसपास की कोई चिंता नहीं है, मतलब वो जान ही नहीं पाता, तल्लीन होकर रहता है बस अपने ही ख्यालों में। और उसके बाद आप इटैलिक साइज भी कुछ लेटर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कैप्सिकम है, फिर उसके बाद कॉक्यूलस है,
फिर देखें तो हम नेट्रोम्यूर है, ओपियम है, ओनोस्मोडियम है, पल्सेटिला है, तो ये कुछ इटैलिक साइज लेटर है जो बोल्ड लेटर के बाद आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट में अगर पल्सेटिला ज़्यादा ऊपर आता है टोटलिटी को देखते हुए तो आप पल्सेटिला दे सकते हैं वहाँ पर। तो ऑन एन एवरेज आपको टोटलिटी देखना पड़ेगा। अगर कोई इंसान में ये माइंड वाला सिम्टम्स ज़्यादा इंटेंसिटी वाला हो तो डायरेक्टली आप उसको बोल्ड लेटर वाला दवाई चूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी में अगर ये नॉर्मल सा आता है और बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो मिलता जुलता है टोटलिटी के हिसाब से, अगर दूसरे जो सिम्टम्स है वो दूसरे किसी रेमेडी को इंडिकेट करते तो आप उसको दे सकते हैं। और वहाँ पर आप देखिएगा कि वो कौन से पॉइंट पे है अब्सॉर्ब्ड के लिए, तो सारे चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। यही रिपोर्टरी का स्टाइल है और आपको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। तो आज के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब्सॉर्ब्ड हमने सीखा आज का माइंड रूब्रिक, और आप हमेशा याद रखिए कभी भी कोई पेशेंट आए ये चीज़ मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियोज़ को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम आने वाले दिनों में पेश करने वाले हैं, तो कीप इन टच विथ मी। एंड मैं जाने से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने और एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स करके। बस मैं कुछ ऐसे आपको हेल्थ टिप्स वहाँ पर दूंगा, और आप उस चैनल को भी विजिट कीजिए, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार बहुत तरीके हो सके। ये चैनल बनाने का पीछे हमारा ये मकसद है कि मेरा इस चैनल में जो पहले के वीडियोस थे वो इतने लंबे हो चुके थे ना, लोगों को मतलब देखने का वक्त ही नहीं था, तो हमने उसे छोटा करके जितनी लोगों को ज़रूरत है उनको टिप्स के माध्यम से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप बिल्कुल उस चैनल को विज़िट करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, नमस्कार।